क्वेश्चन देखो, मिस्टर अतुल त्रिवेदी एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी सेवा प्राप्तकर्ताओं से अपनी सेवाओं के लिए निम्नलिखित राशियां 30 जून 2019 को समाप्त माह में प्राप्त की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिया है पूरा, ऊपर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। ठीक, देखो भवनों के नक्शे को तैयार करने का पारिश्रमिक, मतलब मैप बना रहा है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए। फिर नगर निगम के नक्शे को स्वीकृत कराने हेतु जमा किया गया 2,68,000 रुपए का, जो कि प्लॉट स्वामियों से वसूल किया गया है ना, प्लॉट स्वामियों से वसूल किया गया। आगे देखो, फिर भवन निर्माण परामर्श शुल्क लागत का 3% अवधि में 2 करोड़ के कार्य उनके परामर्श से किए गए, मतलब कंसल्टेंसी। फिर ऋण एवं करारोपण के आदि उद्देश्य से निर्मित भवन संपत्तियों के मूल्यांकन हेतु इतना लग रहा है। त्रिवेदी श्री त्रिवेदी को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यालय उपकरण टेलीफोन वाहन आदि पर 15,000 रुपये प्रति माह व्यय करना पड़ता है। तो इतने का ये क्या करता है, एक्सपेंस करता है। क्या मिस्टर त्रिवेदी जीएसटी की चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं? यदि हाँ तो किस राशि पर और कितना? ठीक है, तो अब देखो 2 पॉइंट्स में आंसर देना है। जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है और जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और एक सिचुएशन है जिसमें रजिस्टर्ड है, सॉरी इधर रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। अब सबसे पहले एक चीज देखो, इंग्लिश में देखो, रेम्यूनरेशन फॉर मेकिंग ड्रॉइंग्स ऑफ बिल्डिंग्स, फिर फीस डिपॉजिट बाय हिम टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर क्या लिखा है देखो, ही चार्ज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी सर्विसेज वैल्यूएशन फीस, ये सब। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ नोट्स के यहाँ पे, तो उसको पहले साथ साथ लिखते जाएंगे सब। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग जो होते हैं, देखो लिख लो, सिविल इंजीनियरिंग की दशा में जो नक्शे तैयार करते हैं, निर्माण परामर्श एवं मूल्यांकन के लिए जो भी फीस मिलती है, ठीक है, फॉर नक्शे, ये देखो नक्शे तैयार करने के लिए जो भी दिया है इसमें, कहाँ दिया है नक्शे तैयार करने वाले, देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, ये सब टैक्सेबल होता है, तो पहले से लिख लो एक जगह पे नोटिंग बना के कि क्या टैक्सेबल है और क्या टैक्सेबल नहीं है। लिखो, नेक्स्ट देखो, जो नक्शे स्वीकृत करवाते हैं, ये सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखो, ये टैक्सेबल होता है, फिर सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये टैक्सेबल सर्विस है, कहीं पे भी आएगी जितने भी पॉइंट पे, तो आप लोग ध्यान रखना। फिर याद रखना, जो नगर निगम को फीस देते हैं अपन, देखो नगर निगम को नक्शों को स्वीकृत कराने हेतु जमा किया गया शुल्क जो कि प्लॉट स्वामियों से वसूला गया, ये टैक्स फ्री होता है। रीजन, एक तो नगर निगम के पास जा रहा है म्युनिसिपल के पास, ठीक है, और ये अतुल त्रिवेदी है, ये एक सिविल इंजीनियर है, ठीक, तो ये जो क्या है नक्शे को स्वीकृत कराने का क्या है ये शुल्क, तो 2,68,000 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना है फॉर पासिंग ड्रॉइंग्स एंड देयर आफ्टर इट वाज रिकवर्ड फ्रॉम प्लॉट होल्डर्स। तो ये इसकी इनकम नहीं है, ये इसने पैसे लिए हैं अपने उनसे, किन से, प्लॉट स्वामियों से, वो भी कहाँ, गवर्नमेंट के पास जमा कराने के लिए, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, टैक्स फ्री। फिर नेक्स्ट देखो, मैम सेकंड वाला पॉइंट जो वो टैक्स फ्री हो जाएगा क्योंकि वो इसके जो वर्क है उससे नहीं है इसलिए। वो तो बेटा फीस है ना, ये देखो ना, हाँ पढ़ो यस मैम, जो
देखो हाँ उसकी इनकम नहीं है ना, ये तो उसकी इनकम ही नहीं है, इसमें तो क्लियर कट लिखा है ना, नगर निगम को नक्शे को स्वीकृत कराने हेतु जमा किया गया शुल्क है ना, नगर निगम को जमा कर रहा है, तो इनकम तो है ही नहीं, तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है एक फीस, ये तो वहीं जाएगा, तो ये उसकी इनकम ही नहीं है, तो हम उस पर टैक्स कैसे लेंगे उससे? आ रहा है समझ में? हाँ, यस मैम, और डाउट है किसी में, फर्स्ट या सेकेंड में है किसी को, पूछो पहले। नो मैम। नेक्स्ट देखो, अब थर्ड पॉइंट, भवन निर्माण परामर्श शुल्क निर्माण लागत का 3%, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन चार्जेस है, ये तो उसकी इनकम का की कार उनके परामर्श से किए गए, तो उसी की कंसल्टेंसी से कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर वो सुपरविजन फीस कितनी चार्ज कर रहा है? 3%, कितने का? 2 करोड़ का, तो ये तो सुपरविजन फीस उसकी 2 करोड़ का 3% क्या हो जाएगा? टैक्स है। फिर वैल्यूएशन फीस कितनी है? देखो 65,000 फॉर कंप्लीटेड बिल्डिंग फ्रॉम लोन एंड टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो वैल्यूएशन फीस भी ले रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी इसकी? टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, मिस्टर त्रिवेदी स्पेंस ₹15,000 पर मंथ टू प्रोवाइड सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स टेलीफोन, तो ये एक्सपेंस है उसका, मैंने बताया एक्सपेंस की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर बताओ मिस्टर त्रिवेदी जीएसटी पेबल के लिए लायबल है या फिर नहीं है, तो एक बार बताना है कि वो जीएसटी में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और एक बार बताना है कि उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो रीजन क्या होता है? अब देखो, अगर किसी का साल भर में ईयरली सेवाएं जो सर्विसेज है उसका जो कॉस्ट है, सर्विसेज का कॉस्ट है ना, उसमें एक्सपेंस माइनस नहीं करना है, जो सर्विस का कॉस्ट अगर वो 20 लाख से कम होता है तो उसमें से जीएसटी पे नहीं करते हैं। लिख लो, वर्ष भर में यदि कर योग्य सेवाओं का मूल्य 20 लाख रुपए या इससे कम हो तो सेवा कर का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। आ रहा है समझ में? मैम एक बार फिर बोलिए। ठीक है, तो वर्ष भर में यदि कर योग्य सेवाओं का मूल्य 20 लाख रुपए या इससे कम हो तो सेवा कर का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। इफ टोटल ऑफ सर्विस कॉस्ट इज लेस देन ₹20 लाख इन ईयर, देन देयर इज नो नीड टू पे जीएसटी ऑन सर्विसेज। अब इस पे दो लॉजिक लगेंगे जब क्वेश्चन बनेंगे, दोनों सिचुएशन देगा, कैसे कि जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं, या जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अब मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रही हूं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और जो टैक्स जो सर्विस का कॉस्ट है, अगर सर्विस का कॉस्ट 20 लाख भी नहीं हो रहा है, 20 लाख से कम हो रहा है, तो जीएसटी पे नहीं करेंगे। ये पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ये एज्यूम करेंगे कि ये उसका पहला साल तो नहीं होगा बिजनेस करने का, यानी वो पहले से ही रजिस्टर्ड है, यानी उसका जो सर्विस कॉस्ट है वो हर बार 20 लाख से ऊपर जाता है, तभी उसने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है जीएसटी में जीएसटी पे करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में अमाउंट या जो कॉस्ट जितनी भी आएगी उस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, वो भी 18% से। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या एजम्पशन चलता है कि जो सर्विस कॉस्ट, और उसमें देखा जाएगा कि वो 20 लाख से कम है तो कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है इसका मतलब कि उसकी जो इनकम है साल भर की सर्विस से वो 20 लाख से ज्यादा ही होती है, ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है, रजिस्टर्ड है इट मींस उसकी इनकम है उतनी, तो इस पॉइंट पे जितना भी कॉस्ट निकलेगा चाहे वो 20 लाख से कम हो या 20 लाख से ज्यादा हो, हम उस पे टैक्स देंगे,
18% से. क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम. यस सबको नोट कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि कहीं नहीं मिलने वाला है ये सारा पॉइंट्स. ये जो पहले वाली नोटिंग लिखवाई थी मैं इसको रफ कर रही हूं. ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है क्या, जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है. जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए लिखो. ऐसी सिचुएशन में देखेंगे 20 लाख से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लिखो सबसे पहला पॉइंट, जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है. इफ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो सबसे पहला क्या स्टेप करेंगे, फर्स्ट अगर कर योग्य प्राप्तियां बीस लाख से कम रही हैं तो उन पर जीएसटी दायित्व तब तक नहीं होगा जब तक पूर्ति की गई सेवाओं का मूल्य ₹20 लाख की सीमा से ₹20 लाख की सीमा पार न कर जाए. इंग्लिश में लिखो इसी को ही फर्स्ट वाले के लिए. इफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज आर लेस देन ₹20 लाख देन जीएसटी विल नॉट बी पेबल और लायबल टू पे टिल जीएसटी कॉस्ट till GST cross ₹20 lakh limit. ये समझ में आया फर्स्ट वाला पॉइंट, जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है वाले में. Yes. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अब सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो अब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ठीक है. क्लियर करूं जो भी लिखा है इसमें? यस मैम. यस मैम. अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें. If registered under GST, है ना, GST के अंतर्गत registered है तो देखो यदि वह GST के अंतर्गत registered है, ये पूरा फिर से लिखना है, registered है तक पूरा, तो इसका अभिप्राय यह है कि
पूर्व वाले वर्ष में, मतलब इसके पहले वाले साल में है ना, पूर्व वाले वर्ष में इनकी इनकी प्राप्तियां बीस लाख रुपए से अधिक रही होगी। अतः अच्छा सुनो, एक चीज याद रखना, इसमें मैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर नहीं लिखवाती हूँ, तो आप लोग लिख सकते हैं उसको। अतः मतलब अभी अपना कौन सा चल रहा है, 2021। ये देखो, ये तो 19 का है लिखा है, लेकिन एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन में ये 20 देगा, याद रखना, ये 19 नहीं देगा, ये क्या देगा आपको, 20। तो आप लोग लिखना, अतः चालू वर्ष मतलब करेंट ईयर आपको जो भी दे, जैसे इसमें 19 है तो, लेकिन अभी अपन 2021 एज्यूम करके चलेंगे, में 18% की दर से जीएसटी दे होगा, ठीक है। इसमें अमाउंट कितना भी आए, अगर रजिस्टर्ड है इसका मतलब उसका 20 लाख से ज्यादा ही होता होगा, इसलिए इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में करूं क्या ट्रांसलेट? यस मैम। लिखना, इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी देन, इतना लिखना। इट मींस इन प्रीवियस इयर्स हिज रिसिप्ट आर मोर देन रुपीज 20 लाख, देयरफॉर he is liable to pay GST in current year। मैं current year change कर दी हूँ ना, याद रखना, क्योंकि अभी आप लोगों का current year 2021 है, ये 19 के हिसाब से question दिया है। At the rate 18%, आया समझ में? Yes, ma'am. और किसी को डाउट है? No, ma'am. चलो मैं क्लियर कर रही हूँ पूरा। Yes. Yes, ma'am. कोई ऐसा है जिसको नोट करना है? अपूर्वा, मौसमी, नेहा, पल्लवी, पूनम, श्वेता? No, ma'am, नोट कर लिए। कर लिए नोट? ओके, देखो। Yes. तो अब अमाउंट कैलकुलेट करो जीएसटी की। चलो मैम। हाँ बोलो मैम। इफ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है और अमाउंट 20 लाख से क्रॉस कर गया तो 18 लाख देगा, वो 18% से देगा। वही तो लिखवाई थी बेटा। यस मैम, समझ गया। पढ़ो उसको अच्छे से, पढ़ो ना क्वेश्चन, पढ़ो। Yes. ऐसा भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना, चिंता मत करो, है ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे अपन, चिंता मत करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। तो देखो, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। फर्स्ट रेम्यूनरेशन, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिखना। फॉर पेइंग, हिंदी वाला पूरा सामने दिया है, सेम कट टू कट वैसे लिखेंगे ना ये।
नक्श भवनों के क्या नक्शे को तैयार करने का पारिश्रमिक कितना है? 78,000। मैंने बताया है टैक्सेबल है। फिर मैंने सेकंड का बताया आप लोगों को, फीस डिपॉजिट टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जितना लग रहा है कि आपका लेंदी हो रहा है लिखने का तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, देख के ही लिखना है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। फीस डिपॉजिट टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये देखो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप लोग शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे एग्जाम में। फॉर पासिंग ड्रॉइंग्स, है ना, जैसे लिखा है सेम वैसे नोट डाउन करेंगे। तो मैंने बताया ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, भवन निर्माण शुल्क क्या है? सुपरविजन फीस, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी सर्विस, भवन निर्माण परामर्श, शुल्क, भवन निर्माण परामर्श शुल्क लिखना। फिर 3% लिखना ऑन, फिर कितने पे? 2 करोड़ पे। तो 2 करोड़ का 3% कितना है? 6 लाख। फोर्थ वाले का कितना दिया है? देखो वैल्यूएशन फीस कर रहा है, मूल्यांकन व्यय, वैल्यूएशन फीस कितने की दे रहा है? 65,000। टोटल करो। एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लिख लेना नोटिंग में, ये जो नोट्स लिखवाए थे ना स्टार्टिंग में 3, 4, 5, तो फिफ्थ का लिखना, व्ययों के लिए छूट नहीं दी जाएगी, एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। पहले ही बताया है कि सर्विसेज में एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। टोटल करो कितना आ रहा है टोटल? मैम 7,43,000। वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कितना आ रहा है? 7,43,000। अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो कोई टैक्स देगा क्या? नहीं। तो देखो जो मैंने इसके पहले नोटिंग लिखवाई है, जैसे ये वाले पॉइंट की लिखवाई थी, नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, है ना, तो उसमें लिख लो, उसमें तो मैंने लिखवाया ही था तुम लोगों को, यदि श्री त्रिवेदी अनरजिस्टर्ड है और उनकी कर योग्य प्राप्तियां 20 लाख से कम है तो उसमें जीएसटी दे नहीं होगा, उसका आंसर मैंने लिखवा ही दिया था इनडायरेक्टली तुम लोगों को। फिर अब सेकंड पॉइंट वाले पे आओ, सेम पूरा स्टेटमेंट लिखोगे एग्जाम में जैसे लिखवाया है, और फिर लिखना नहीं, और अगर ऐसे शॉर्टकट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना, क्योंकि इतना सा अगर बना के आओगे, कितना सा पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन बना के आते हो एग्जाम में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना, ये जो सर्कल किया है ना, इतना सा अगर पोर्शन बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने तुमको देखो नोटिंग भी लिखवाई, उसके बाद दोनों के एक्सप्लेनेशन भी लिखवाए, पूरा लिखोगे तब जाके 15 में से कुछ 12 या 13 मिलेगा, और सिर्फ ये बना के आ जाओगे तो 8 या 9 भी मुश्किल से मिलेगा, याद रखना ये चीज। और सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले के लिए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है तो पूरी जो लाइन लिखवाई है वो लिखवाना, सॉरी लिखना वहां पे, और लिखना जब उसमें क्या लिखवाया था, क्या चालू वर्ष 2020-21 में 18% की दर से जीएसटी दे है, इसलिए तो देखो 7,43,000 है तो इसका 18% निकालो, निकालो इसका 18%। 1,33,740। तो वो जो स्टेप लिखवाए थे फर्स्ट वाले के अंदर और सेकंड वाले के अंदर, तो लिखना कि दर से 7,43,000 का 18% की दर से 1,33,740 जीएसटी दे होगा। जीएसटी विल बी रुपीज 1,33,740। आ रहा है समझ में सबको? जीएसटी क्यों? आपका नाम क्या है? पल्लवी। मैम पल्लवी, मैंने अभी एक नोटिंग लिखवाई थी,
ओपन यस मैम, उसमें 18% की दर से लगेगा नहीं, बोले मैं जो हैं। बोल रही हूँ उसको सुनो, ठीक है? बीच में बात मत करो। यस ये जो लिखा है रजिस्टर्ड यस अंडर जीएसटी है ना, इसकी नोटिंग को ओपन करो। मैं यहाँ से रीड करूंगी, आप उसको ओपन करके रखो वहां पे जो आपने लिखा है। ओपन किया सेकंड पॉइंट। यस मैम हाँ, अब देखो उसमें मैंने क्या लिखा है, यदि वह जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। देखो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, तो रजिस्टर्ड में ये एज्यूम किया जाता है कि उसका पिछले वाले वर्ष जो पुराने साल होंगे उसमें उसका जीएसटी का अमाउंट 20 लाख से ज्यादा होता होगा, तभी उसने रजिस्टर करवाया था। इसीलिए जो आने अच्छा वाले, मैम, समझ आ गया मैम। हाँ आया समझ में? इसलिए बोलती हूँ मैं, जो यस बोल रही मैम हूँ उसको ध्यान से समझा करो। और किसी को डाउट? नेहा, नो मैम डाउट है कोई? पूनम, अश्मी? मैम हाँ बोलो। मैम 18% जिस जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर है उसमें लिखेंगे ना, जो 18% निकाले। हाँ, उसी में लिखेंगे, ठीक है? यस मैम क्लियर करूं पूरा? चितेश, कोई डाउट है तुमको? नो मैम क्लियर ठीक है। है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ। यस मैम दिखा क्वेश्चन। यस यस मैम हाँ, स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। स्टार्ट करें, यस मैम देखो फॉर्म का नाम, देखो घूमता आईना, बताओ। एक फोटोग्राफर फॉर्म है, इसके द्वारा 31 मार्च 2019 को है ना, ये ना तुम लोग इसको 31 मार्च 2020 एज्यूम करो, को समाप्त मासिक अवधि में निम्नलिखित फोटोग्राफी सेवाएं अपने ग्राहकों को दी। इसको 31/3/2020 एज्यूम कर लो, है ना? अब देखो स्टूडियो में खींचे गए फोटो हेतु चार्ज की गई राशि कितनी? 3,38,000। फिर स्टूडियो के बाहर विवाह आदि समारोह में, ये स्टूडियो के अंदर है, ये स्टूडियो के बाहर है सेकंड वाला। फिर क्या लिखा है, स्कूल कॉलेजेस एवं वार्षिक समारोह में खींचे गए चित्रों के लिए चार्ज की गई राशि 1,72,000। फोटोग्राफ्स टेकन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑन एनुअल गैदरिंग्स अमाउंट चार्ज, तो तीनों का तीनों टैक्सेबल। अब नेक्स्ट देखो, उपरोक्त चित्रों को खींचने एवं डेवलप करने के निम्न व्यय किए गए, ये उसका एक्सपेंस किया रहा है कितना, ये बता। अब मेरे को क्लियर बताओ, एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चितेश रिप्लाई नहीं करना। नो मैम नहीं मिलेगा। नेहा, डिडक्शन का एक छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सॉरी एक्सपेंस का छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मौसमी, कहाँ है ये तीनों जिसका नाम लिखूं मैं? यस मैम क्या? यस मैम, नो डिडक्शन, मैम मैं नाम बोला हाँ नेहा से। डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो एक्सपेंस कर रहा है इसका, जल्दी बताओ।
ये जो खर्चे कर रहा है इसमें उपरोक्त चित्रों को खींचने एवं डेवलप करने के निम्न व्यय किए गए, तो ये जो इसका छूट देगा कि नहीं देगा? चितेश बताओ। देगा मैम सर। देगा शायद देगा, देगा मैडम शायद। ठीक है, वेरी गुड, मैं समझ गई तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है क्लास में। फिर से बता रही हूँ, लिख लो फिर से कि सर्विसेज में, सर्विस वाले टॉपिक में एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है, नोट ही नहीं करते हैं अपन एक्सपेंसेस को। तो देखो ये जितने भी फिल्म की लागत, डेवलपिंग कर्मचारी के रूप में नियुक्त फोटोग्राफर के वेतन, स्टूडियो का किराया, कार्यस्थल तक जाने के, कुछ भी नहीं आएगा एक्सपेंसेस, तो इसका कोई काम नहीं है। अब नेक्स्ट में आओ, फोर्थ पॉइंट देखो, समारोह के फोटो एल्बम में चिपकाकर प्रदान किए गए एवं एल्बम कितने के, 48,000 रुपए अलग से चार्ज किए, तो ये ऐड होगा। वीडियो फिल्मांकन के लिए चार्ज की गई राशि, ये भी ऐड होगा। तो देखो मैंने आपको सब बता दिया क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड ऐड होगा, थर्ड भी ऐड होगा, ये पूरे एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे, फोर्थ ऐड होगा, फिफ्थ ऐड होगा, फिर लास्ट में आपको जीएसटी को पे करना है 18% की दर से। क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग? यस मैम। ट्राई करो, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, अभी टाइम लिमिट खत्म हो गई है क्लास की। ठीक है, अपन इसको कल मैम। हाँ बोलो।